हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। दिस इज क्लास 7, चैप्टर नेम एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज, पार्ट ऑफ सिविक्स। सो दिस इज द लास्ट सब टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। सो टुडेज टॉपिक इज डेमोक्रेसी। डू यू रिमेम्बर? आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस टर्म वेरी वेल ना। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस democracy. Democracy is taken from Greek word demokratia, right? याद है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था ना, democracy कौन से वर्ड से लिया हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज के democratia शब्द से लिया गया है, ठीक है? तो जिसमें कि अगर हम democratia को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो demos एंड kratos, राइट? सो डेमोज मीन्स द पीपल एंड क्रेटोज मीन्स टू रूल, ठीक है? लोगों के द्वारा शासन किया जाना, ऐसे तंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं, इन इंग्लिश डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसे लोग, इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व, ठीक है, जिसमें कि लोग खुद ही अपने आप को गवर्न करते हैं, या तो वो डायरेक्टली गवर्न करते हैं या फिर वो इलेक्टेड इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, देन वो इनडायरेक्टली वे में गवर्न करते हैं, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकार होती है वो किसके वेलविशर में काम करेगी? पीपल के वेलविशर में काम करेगी, क्योंकि सरकार किसने तैयार किया? लोगों ने की है सरकार, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं लोगों की जो सरकार होती है वो होती है लोकतंत्र, राइट? सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है? डेमोक्रेसी ऐसी सरकार जो टोटली किस पर बेस्ड है? पीपल पर है, लोगों के ही द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है? तो इस ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, राइट? सो हियर इन डेमोक्रेसी, ठीक है, द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? डेमोक्रेसी में लोग कैसे इलेक्ट कर, सो इन हियर लोकतंत्र में क्या होता है? The people elect their representatives on the basis of universal adult franchise who carry on the affairs of the government. ठीक है, लोकतंत्र में लोग अपने representatives को elect करते हैं, in which on the basis of universal adult franchise and it is also known as universal adult suffrage, which means क्या? कि इसे हिंदी में हम कह सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन, ठीक है? कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है वोट देने की, जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके और जो हमें हमारे हिसाब से गवर्न कर सके, राइट? सो आवर ओन कंट्री, इट मीन्स इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है? इंडिया क्या है? एक लोकतंत्र गणराज्य है ना। सो हियर द प्रेसिडेंट इज आवर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट किया जाता है। एंड सो इन हियर क्या खास बात होती है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी कंट्री जो होती है उसमें क्या खास बातें होती है, जरा उनको हम जानते हैं। द पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, ठीक है, लोग शासन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विदाउट फियर, ठीक है? अभी तक प्रीवियसली आपको मैंने मोनार्की गवर्नमेंट बताया था, डिक्टेटरशिप बताया था, उसमें ऐसा क्या था? यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो
इस बात को फ्रीडम देता है कि जो हम अपना जो भी हमारे व्यूज हैं उसे हम विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम चाहते हैं या हम जो सोचते हैं उसे हम बोलने का अधिकार है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस सरकार में, कौन सी, डेमोक्रेसी में। सो नेक्स्ट, पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, लोग सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, एंड एंजॉय इक्वल राइट्स, और सभी के बराबर के अधिकार हैं, सब अपने बराबर के अधिकार को एंजॉय करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट में, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। सो डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्करेज, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया जाता है, एंड आफ्टर दैट सो ऑल सिटीजन्स कैन लिव विद डिग्निटी, इसलिए क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे डिस्करेज इसलिए किया जाता है जिससे कि लोग अपने जीवन में एक डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ बराबरी से रह सके, ठीक है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो हियर फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी वो टोटली बेस्ड होती है लोगों पर, ठीक है, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके की सरकार चाहते हैं, कब बदलना चाहते हैं, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा बेस्ड होता है लोगों पर, ठीक है, जैसा लोग चाहते हैं उसी हिसाब से उनकी सरकार बनती है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये अपने साथ में जब भी कोई गवर्नमेंट लाती है, ठीक है, कोई, अब हमारे यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो सरकार है वो हर 5 साल बाद बदली जाती है, ठीक है, तो जब भी सरकार, जो नई सरकार आती है वो एक बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में लेके आती है, ठीक है, तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें पूरा करना होता है। एंड नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऐसी सरकार होती है, ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों के हितों में काम करती है, सभी के हितों में काम करना होता है। एंड नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है, ये पूरा पूरा किस पर बेस्ड होती है, स्वतंत्रता पर, बंधुत्व पर और समानता पर बेस्ड होती है। सो टुडे द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।